ईशान पीडीएफ मैनेजर एप्लीकेशन का न्यू अपडेट आ गया है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप ईशान पीडीएफ मैनेजर एप्लीकेशन से क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ईशान पीडीएफ मैनेजर एप्लीकेशन में काफी सारे फीचर्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप किसी टेक्स्ट फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई क्यूआर कोड या बारकोड है तो आप उसको भी पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सेल फाइल को भी आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जो फाइल्स बनाई है आप उनको देख सकते हैं और आप हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप पीडीएफ में कोई पासवर्ड लगा सकते हैं और अगर पहले से कोई पासवर्ड लगा हुआ है तो आप उस पासवर्ड को रिमूव भी कर सकते हैं। अपने पीडीएफ में आप कोई टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, पेजेस को आप रोटेट कर सकते हैं, आप कोई वाटरमार्क भी लगा सकते हैं और अपनी पीडीएफ फाइल में आप और भी पेजेस ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास एक से ज्यादा पीडीएफ फाइल्स है, आप उनको मर्ज करना चाहते हैं तो आप उनको मर्ज भी कर सकते हैं, और अगर आप किसी पीडीएफ फाइल को स्प्लिट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, आप इन्वर्ट भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई पीडीएफ फाइल है जिसका आपको साइज कम करना है तो आप उस पीडीएफ को कंप्रेस कर सकते हैं, उसका साइज कम कर सकते हैं, और अगर आपकी पीडीएफ में डुप्लीकेट पेजेस हैं तो आप डुप्लीकेट पेजेस को रिमूव भी कर सकते हैं, या जो भी आप चाहे अपनी पीडीएफ से पेज रिमूव कर सकते हैं। अपनी पीडीएफ में आप पेजेस को रीऑर्डर भी कर सकते हैं, जैसे कि 1:2 की जगह आप 2:1 कर सकते हैं, और अपनी पीडीएफ से आप इमेजेस को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, पीडीएफ को आप इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी जिप फाइल को भी पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे काम आप ईशान पीडीएफ मैनेजर एप्लीकेशन की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको डेमो दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल, आपको किसी इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ इमेजेस टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। अगर आपके सामने कोई ऐड आता है तो आप उसको क्लोज करेंगे। इसके बाद आप यहाँ सिलेक्ट इमेजेस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप इमेजेस को सिलेक्ट कर लेंगे जिनको भी आप पीडीएफ में चेंज करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं इन इमेजेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इनको मिलाकर के मैं एक पीडीएफ बनाना चाहता हूँ। इसके बाद अप्लाई पर क्लिक करेंगे। आप जितने चाहे उतने इमेजेस को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद क्रिएट पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो भी आप नाम रखना चाहते हैं अपनी पीडीएफ फाइल का वो आप डालेंगे और ओके करेंगे तो आपका पीडीएफ क्रिएट हो जाएगा। आप यहाँ व्यू पर क्लिक करके देख सकते हैं, ये आपका पीडीएफ फाइल बन चुका है। अब जैसे कि आपके पास कोई टेक्स्ट फाइल है, आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। अगर आपके सामने कोई ऐड आता है तो आप उसको क्लोज करेंगे। अब आपको यहाँ पर सिलेक्ट टेक्स्ट फाइल पर क्लिक करके टेक्स्ट फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद क्रिएट पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो आपकी टेक्स्ट फाइल पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपके पास क्यूआर कोड या बारकोड्स हैं या फिर कोई एक्सेल फाइल है तो उनको भी आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी पीडीएफ फाइल पर कोई पासवर्ड लगाना है तो आप ऐड पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके आपको वो फाइल सिलेक्ट कर लेनी है जिसमें आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं। सिलेक्ट फाइल, आपके सामने आपके मोबाइल फोन में जितनी भी पीडीएफ्स हैं वो सब आ जाएगी। आप यहां से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप क्रिएट पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं वो आप यहां पर डालेंगे। जैसे कि मैं डाल देता हूं 1, 2, 3, 4, 5। इसके बाद ओके, तो आपके इस पीडीएफ में पासवर्ड लग चुका है। व्यू पर क्लिक करके आप देखेंगे कि ये पीडीएफ पासवर्ड मांग रही है, तो आप वही पासवर्ड यहाँ डालेंगे, ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। इसके अलावा आप यहाँ व्यू फाइल्स पर क्लिक करके भी किसी पीडीएफ को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी पीडीएफ फाइल में पासवर्ड लगा हुआ है, आपको वो पासवर्ड रिमूव करना है तो आप यहाँ रिमूव पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। कोई ऐड आता है तो आप उसको क्लोज करेंगे। इसके बाद आपको फाइल सिलेक्ट करनी है जिसका पासवर्ड आप रिमूव करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं इस पीडीएफ फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और क्रिएट पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको पहला पासवर्ड डालना होगा जो आपने लगाया हुआ है। इसके बाद ओके, तो आप देखेंगे कि आपकी पीडीएफ से पासवर्ड रिमूव हो चुका है। आप व्यू पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको अपनी पीडीएफ फाइल में कोई वाटरमार्क ऐड करना है तो आप ऐड वाटरमार्क पर क्लिक करेंगे।
आपके सामने सभी पीडीएफ फाइल्स आ जाएंगी जो आपने क्रिएट की है, जिसमें भी आपको वाटरमार्क ऐड करना है। आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने मेन्यू आ जाएगा। इसमें आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐड वाटरमार्क, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप कुछ भी वाटरमार्क लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ सैंपल फाइल। इसके बाद यहाँ पर आप एंगल डालेंगे, किस एंगल में आप इसको रखना चाहते हैं, और यहाँ पर आप कलर चूज करेंगे। नीचे यहाँ पर आप फॉन्ट साइज और फॉन्ट स्टाइल चूज करेंगे, इसके बाद ओके। तो आप देखेंगे कि वाटरमार्क ऐड हो चुका है, व्यू पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आप एक से ज्यादा पीडीएफ्स को मर्ज कर सकते हैं मर्ज पीडीएफ पर क्लिक करके। और अगर आपको किसी पीडीएफ का साइज कम करना है तो आप कंप्रेस पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहां से उस पीडीएफ फाइल को सिलेक्ट करेंगे जिसका आपको साइज कम करना है। अगर आप चाहें तो व्यू फाइल्स पर क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर आप परसेंटेज डालेंगे कितना साइज आपको कम करना है, जैसे कि मुझे 50% कम करना है तो 50 डालेंगे। इसके बाद क्रिएट पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो आपकी पीडीएफ का साइज कम हो जाएगा, आप व्यू पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ से कोई पेज रिमूव करना है तो आप रिमूव डुप्लीकेट पेजेस पर क्लिक करेंगे, फाइल सिलेक्ट करेंगे जिससे आपको पेजेस रिमूव करने हैं। इसके बाद रिमूव डुप्लीकेट पेजेस पर क्लिक करेंगे तो अगर आपकी पीडीएफ में कोई डुप्लीकेट पेज है तो वो रिमूव हो जाएगा। अगर आपको अपने पीडीएफ फाइल से कोई पेज रिमूव करना है तो आप रिमूव पेज के थ्रू कर सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ फाइल को इमेज में कन्वर्ट करना है तो आप पीडीएफ टू इमेजेस पर क्लिक करेंगे। और अगर आपके पास कोई zip फाइल है, आप उसको PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप zip to PDF पर क्लिक करके उसको PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इस तरीके से ईशान PDF मैनेजर एप्लीकेशन की हेल्प से आप बिल्कुल फ्री में अपनी PDF फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं।